गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का बीएससी का रिजल्ट आ गया है फर्स्ट सेमेस्टर का, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनकी बैक आई है वो बिल्कुल भी ना घबराएं, वो बैक फॉर्म भर सकते हैं अगर आपके दो सब्जेक्ट में आई हो तो। आज मैं आपके साथ बीएससी सेकंड सेम 2023 का सिलेबस डिस्कस करने जा रही हूँ। देखेंगे हम सबसे पहले हमारे क्या है बॉटनी। बॉटनी में आपका बेटा 4 यूनिट है इस सेमेस्टर में, आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था तो वैसे ही इस वाले सेमेस्टर में भी है आपके 4 यूनिट्स है। इसमें आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पेट्रोफाइट्स। पेट्रोफाइट्स नॉर्मली हैं कि आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, इसके हमें जनरल चैरिटीज पढ़नी है और क्लासिफिकेशन और इंक्लूडिंग द, इसमें कुछ ग्रुप्स दे रखे हैं जिसे हम कहते हैं पीपीजी, यानी पेट्रोफाइट पॉलीजेनेट्स ग्रुप, क्लासिफिकेशन एयरली लैंड प्लांट्स, राइमा, और हम इसके कुछ एग्जांपल भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे ही आपका सेकंड यूनिट है गैमिनोस्पर्म। गैमिनोस्पर्म में भी आप जनरल कैरेटिक्स पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन, जैसे पहले हमने बेटा क्या पढ़ा था, एल्गी, फंगी, इन सब का पढ़ा था ना, क्या हमने इन सब की हैबिट पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन पढ़ा था और साइकिल पढ़ी थी, तो उसी तरीके से इसमें भी है, बट आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। हम धीरे धीरे सबके बारे में डिस्कस करेंगे, आप एक बार सिलेबस अच्छे तरीके से देख लीजिए। और आपका इसी तरीके से जो सेकंड वाला है ये देखेंगे, सॉरी जो थर्ड वाला आपका यूनिट है क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। ये आपको सबसे बड़ा लग रहा होगा देखने में, बट ये सबसे छोटा यूनिट है हमारा, बहुत इजीली कवर हो जाएगा। मैं आपको धीरे धीरे सारे यूनिट कवर करवाऊंगी, बस आप लोग देखिए ध्यान से ये और समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट आपका है टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स फैमिली, इसमें आपको कुछ सारे एग्जांपल पढ़ने हैं और ये आपके प्रैक्टिकल से भी इम्पॉर्टेंट है। यही जो आपको 4 वाली यूनिट में जितने भी आप एग्जांपल पढ़ेंगे इसी के बेस पे आपको प्रैक्टिकल करने हैं, सो आप अच्छे से पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए बॉटनी का ये सिलेबस हो गया, आप देख लीजिए जूलॉजी का भी कुछ इसी तरीके से सिलेबस है हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर का, जेनेटिक एंड सेल बायोलॉजी। बेटा इसमें जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा, मेंडल्स लाइफ, और छोटे छोटे पॉइंट हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ हाईलाइट भी करने की कोशिश की है, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो गया, ये सब आपने पहले भी पढ़ा होगा, डिटरमाइंड ऑफ सेक्स, सेक्स लिंकेट, ठीक है, और सेल बायोलॉजी। बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकेंड सेमेस्टर में सेल बायोलॉजी, आप इसे केयरफुली रीड करेंगे और ध्यान देंगे। बाकी मैं आपको जितने भी हैं इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इसी में। तो आज मैंने सिलेबस के लिए करा था, आप लोग इसे केयरफुली रीड करेंगे और जो भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे साथ